वैसे तो कानपुर में घूमने के कई आकर्षक और ऐतिहासिक स्थान हैं, लेकिन अगर आपको सुकून की अनुभूति करनी है तो आइए सुधांशु जी आश्रम। सुधांशु जी आश्रम बिठूर का आकर्षक है। इस आश्रम की स्थापना सुधांशु जी महाराज ने की थी, तो आइए आपको यहाँ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कैलाश पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत की कॉपी करके बनाया गया है, जहाँ पर आपको भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान आपको दिखाई देगा, और भगवान शिव के सिर पर आपको माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको शाम को झरना चलता हुआ दिखाई देगा, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और इसी के बगल में आपको भगवान शिव की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और आश्रम के बीच में एक खूबसूरत मंदिर स्थापित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, माँ पार्वती, राजा रानी की खूबसूरती से सजी हुई मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आश्रम में आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जा सकते हैं, लेकिन आश्रम के अंदर राधा कृष्ण का मंदिर सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच और शाम को 6 से 10 के बीच ही खुलता है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की आरती का दृश्य सबको सम्मोहित करता है। आरती का बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। सुधांशु जी महाराज आश्रम में एक सुंदर उद्यान है, जिसमें 8 से 20 फीट ऊंची देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हैं। उस बगीचे में गुफा के सामने झरना भी है। गुफा में जाने का एक अलग अनुभव होता है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खेल खेलने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे पिस्टल का खेल हो गया, आप यहाँ पे निशाना लगा सकते हैं, और यहीं पे आपको झूले मिल जाएंगे जहाँ बच्चे आसानी से झूल सकते हैं, और यहीं पे अगर वो चाहे तो यहाँ पे गाड़ियाँ वैन से इसका मजे ले सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर आपके बच्चे आपके साथ आते हैं तो यहाँ पर वो फुल एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे वो बोर भी नहीं होंगे। आश्रम में घूमने आने वाले लोगों को यहाँ पर कई चटपटी चीजें खाने को मिलती हैं, जैसे पानीपुरी, चाट बतासा, भेलपुरी। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक शौकीन हैं तो आपको यहाँ नींबू पानी, सिकंजी और नारियल पानी उचित दामों पे मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने साथ खाने का सामान साथ लाते हैं और आश्रम के पार्क में बैठकर परिवार के साथ खाने का एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी कानपुर आते हैं तो आप एक बार सुधांशु आश्रम जरूर आइएगा, आपको यहाँ पर आने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल में अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।